राजस्थान से खबर है जहां डीक कस्बे की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा के स्टाफ ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जहां उसी बैंक की मृतका खाता धारक के नॉमिनी पति को योजना से अवगत कराते हुए शाखा प्रबंधक समर्थ टोपे के द्वारा 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। बैंक कर्मियों ने बताया कि गाँव औ निवासी खाता धारक सोनदेही पत्नी विजयन सिंह ठाकुर की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके कुछ दिन बाद मृतका सोनदेही का पति अपनी पत्नी खाते में राशि देखने गया तो वहां बैंक कर्मियों ने मृतका के नॉमिनी पति बिरजैन सिंह को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपए बीमा योजना के तहत उसके खाते में 2 रुपए होना बताया। वहीं बैंक प्रबंधक व स्टाफ ने किसान बिरजैन सिंह को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं किसान ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन बैंक के द्वारा मुझे यह चेक दिया गया, जिसे पाकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इस अवसर पर मोहित गुप्ता, पुष्पेन गुप्ता, रश्मि कुमारी, ओम प्रकाश शर्मा सहित स्टाफ मौजूद रहा। हमारी शाखा की खाता धारक सोनदेही की मृत्यु एक्सीडेंटल केस में हुई थी। उनके नॉमिनी थे विजेंद्र जी, उनके पति, जो हमारी बैंक में आए थे और उनके खाते में देखा, बैंक के ऑपरेशन स्टाफ द्वारा देखा गया कि उनके खाते में 12 रुपए वाला बीमा हो रहा था, जिसमें 2 लाख रुपए नॉमिनी को देने होते हैं। उनको ये अवगत कराया गया और उनकी सारी कार्रवाई स्टाफ द्वारा पूरी की गई, उनसे सारे दस्तावेज लेके और आज उनको हम 2 लाख रुपए का चेक उनके हाथों में सुपुर्द करते हैं। ये आऊ निवासी आऊ गांव के हैं, जिनको आज 2 लाख रुपए का चेक हमारे द्वारा भेंट किया गया है। हमारी बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक में ये किसी काम से, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी इनकी पत्नी की, तो उसके रिगार्डिंग ये देखने आए थे उनका बैलेंस कितना है खाते में। उसके उपरांत हमने पाया कि इनके खाते में 12 रुपए वाला बीमा PMSBY योजना के तहत हो रखा है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ में 2 लाख रुपए इनको मिल सकता था, जो हमने इनको कट कराया। उसके उपरांत हमने इनको कार्रवाई करके आज जल्दी से जल्दी 1-2 लाख रुपए का चेक इनको भुगतान किया गया है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डीक शाखा।